महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र में हुई स्कूल बस पलटने की घटना के बाद मंत्रियों व अधिकारियों का महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के दौरे पर पहुंचना लगातार जारी है। बृहस्पतिवार 11 अप्रैल को घटना के कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा व लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी पहुंचे तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उनके साथ रणदीप सिंह कापड़ीवास सहित कई पार्टी के नेता थे। इसके बाद देर शाम हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रवीण जोशी रेवाड़ी पहुंची। उन्होंने मातृका अस्पताल में भर्ती सभी घायल बच्चों से एक एक करके मुलाकात की। बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी भी ली। मातृका अस्पताल के बाद आयोग की चेयरपर्सन आदित्य अस्पताल पहुंची तथा वहां पर भी घायल बच्चों का हालचाल जाना। उनके साथ CWC की चेयरपर्सन कुसुम शर्मा, उषा रुस्तगी, अमरजीत, संदीप, DCPO दीपिका, पार्षद नीतू सैनी, प्रदीप, अनिता यादव व अर्चना तलवार सहित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की लगभग पूरी टीम मौजूद थी। इससे पहले आयोग की चेयरपर्सन ने पत्रकारों से भी बातचीत की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम, क्या कहेंगे, अभी अभी बच्चों से मिले हैं, क्या स्थिति है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी कि मैं जो घटना हुई है, जैसे मुझे सुबह पता चला कि कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े हुए और ये हुआ कि किसी तरह मैं पहुंच जाऊं। बस आज ये कहेंगे कि मैं बहुत दूर थी आज इन बच्चों से, नहीं तो शायद अगर मैं अपने जगह पे होती फरीदाबाद में तो शायद मैं 1.5 घंटे में बच्चों के पास होती। तो हम उसी समय मेरी अपनी टीम के साथ मैं निकल गई थी, लेकिन आज की जो यहाँ व्यवस्था देखी है, जो बच्चों से मिल के लगा कि इनकी जो रिकवरी हो रही है, मैं उससे संतुष्ट हुई हूँ। इस चीज़ के लिए मैं प्रशासन का तो आभार व्यक्त करूँगी, साथ में जो यहाँ की हॉस्पिटल की टीम है उनका दिल से आभार व्यक्त करूँगी कि इन्होंने एक ही दिन में कि बच्चों की सर्जरी भी कर ली और उनका पूरा ट्रीटमेंट भी दे दिया और ज़्यादातर बच्चे होश में हैं और बात करने की पोजिशन में हैं। पेरेंट्स अपने बात स्कूल पर ही विश्वास करते हैं, स्कूल के बस चालक अगर शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? जी, इस पे कार्यवाही होगी और कार्यवाही शुरू हो चुकी है, ये आपके नॉलेज में है। आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ? जी, डिपार्टमेंट मेरा पूरा फॉलो अप करेगा उसको। हम सुबह से मॉर्निंग से ही शिक्षा अधिकारियों से, मंत्री जी से, बहन सीमा जी से और अपने ही डिपार्टमेंट के मंत्री जी से, असीम जी से, सभी के टच में हम लोग और पूरा हमारा आयोग है इसके ऊपर काम करेगा। कुछ मेजर इश्यूज हैं जैसे स्कूल बस की फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं थे, ऐसी सैकड़ों बसें आज भी स्टेट भर में दौड़ रही हैं, अनफिट बसेस के अंदर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई है? जी, मेरी बात हुई है, उन्होंने नोटिस निकाल दिया है कि एज अर्लीस्ट पूरे स्कूलों का सर्वे किया जाए और सबके फिटनेस सर्टिफिकेट्स दिए जाए, उनके हैंड ओवर होंगे, उसके बाद ही वो बसेस चली हुई। जी, आपने प्रवीण जोशी की बात सुनी। हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना में 6 छात्रों की मौत हो गई थी और लगभग 2 दर्जन छात्र घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, नायब सैनी, राव इंद्रजीत सिंह व कैप्टन यादव सहित कई तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था। सरकारी स्तर पर अभी तक कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे हैं। GL पब्लिक स्कूल कनीना की मान्यता रद्द करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सरकार को सिफारिश भेजी है। हादसे का प्रारंभिक कारण ड्राइवर का शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना माना जा रहा है। धन्यवाद।